सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। आज आप देखिए, गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने बिगुल फूंक दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। साथियों, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में दशकों तक सरकार चलाई, उन्होंने कभी आपकी आशाओं आकांक्षाओं की परवाह नहीं की। पहले की सरकारों ने तो यहां रहने वाले हमारे फौजी भाइयों तक का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस सरकार 40 साल तक फौजियों से झूठे बोल देती रही, झूठ बोलती रही कि वन रैंक वन पेंशन लाएगी, लेकिन वन रैंक वन पेंशन का फायदा भाजपा सरकार ने पूरा किया। ओआरओपी की वजह से यहां जम्मू के ही पूर्व सैनिकों को, फौजियों को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब संवेदनशील सरकार हो, जब आपकी भावनाएं समझने वाली सरकार हो, तो ऐसे ही तेज गति से काम करती है। साथियों, भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वो भरोसा पहली बार जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है। हमारे शरणार्थी परिवार हो, वाल्मीकि समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलेगी, वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्डा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र तो विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। साथियों, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों का बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को हुआ है। हमारी सरकार जो पक्के घर बनवा रही है, उनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम है। हर घर जल योजना ने हजारों की संख्या में शौचालयों के निर्माण ने, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने यहां की बहनों बेटियों का जीवन बहुत आसान बनाया। आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारी बहनों को वो हक भी मिले हैं जिनसे पहले उनके वंचित रखा गया था। साथियों, आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी सुना होगा। मोदी की गारंटी है कि हमारी बहनों को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। मैं कल एक बहन का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही थी मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था और आज मैं ट्रेनिंग के बाद ड्रोन पायलट बनकर के घर जा रही हूँ। जदि आपंक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।